ओके हाँ तो बच्चों, आज आपको भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि संविधान में समय समय पर परिवर्तन होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए कि समय के साथ जो परिस्थितियाँ आती हैं उसके अनुरूप संविधान अपने आप को ढाल ले। कोई भी संविधान जो होता है वह एक जीवित और परिवर्तनशील प्रलेख होता है। देश और काल की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन आवश्यक होते हैं। कोई भी संविधान स्थायी नहीं होता। अगर ये मान लिया जाए तो संविधान की तुलना धर्मशास्त्र से की जाने लगेगी, क्योंकि धर्मशास्त्रों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं माना जाता है। जो लिख दिया जाता है वो ही प्रमाणिक माना जाता है। इस संदर्भ में लॉर्ड मैकाले ने कहा है कि यदि किसी आदर्श संविधान में संशोधन प्रक्रिया का अभाव है तो वह संविधान जड़ बन जाएगा। उस राष्ट्र की जनता तो आगे बढ़ जाएगी लेकिन वो संविधान पिछड़ जाएगा। यदि संविधान में सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सका तो क्रांति ही प्रगति का अंतिम उपाय हो। तो यहां कोई भी जो संविधान होता है उसमें संशोधन क्यों किए जाते हैं, इसके लिए कुछ कारण भी जिम्मेदार होते हैं। जैसा पहला कारण है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप होने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की उपलब्धि के लिए भी संशोधन जरूरी माने जाते हैं। और कई बार संविधान में नई बात जोड़ने की आवश्यकता होती है जो अमेंडमेंट या संशोधन के माध्यम से ही संभव है। भारत का जो संविधान है उसमें कठोरता और लचीलेपन का समन्वय किया जाता है। जैसे हम दूसरे देशों का संविधान पढ़ते हैं, जैसे अमेरिका का संविधान है, जापान का संविधान है, इंडिया का संविधान है, तो जापान का संविधान, जापान और अमेरिका के संविधान कठोरतम संविधानों की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ अमेरिका में संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है जो वहाँ आसानी से नहीं हो पाती है प्रक्रिया। और जापान में कोई भी संशोधन, संविधान में संशोधन तभी वैध माना जाएगा जब उसको जनता के बीच में जनमत के लिए रखा जाए। तो यहाँ यही कारण है कि जापान में आज तक एक भी संविधान संशोधन नहीं हुआ है, मगर भारत के संविधान जो निर्माता है उन लोगों ने बीच का मार्ग अपनाया और यहाँ हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कठोरता और लचीलेपन के मध्यम मार्ग अपनाया। जैसे हमने क्या है, संघात्मक और एकात्मक के बीच में समन्वय किया है। तो भारत का संविधान कठोरतम संविधान भी है और उसमें लचीलेपन का भी व्यवस्था है। तो भारतीय जो संविधान है इसमें संशोधन, भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है, भारतीय संविधान के भाग 20 में लिखा गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। अब भारतीय जो संविधान है उसमें तीन प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। संविधान में संशोधन के लिए तीन प्रकार की बातें रखी गई है। संसद में के साधारण बहुमत के द्वारा कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनमें संविधान जो संसद है वो अपनी सिंपल जो मेजोरिटी है उसमें उसके बहुमत से उसमें संशोधन कर सकती है। दूसरी बात यह है कि संसद कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। इसका मतलब यह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए आप किसी भी सदन में आप पेश कर सकते हो संशोधन प्रस्ताव, तो एक सदन अपने उपस्थित और वोट देने वाले जो सदस्यों का 2/3 बहुमत होगा उससे वो पास करेंगे, फिर दूसरा बहुमत सदन भी उसको उसी प्रकार से पास करेगा उसी प्रक्रिया से, और उसके बाद में कम से कम आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है।
और तीसरी यह है कि जो बच गए जो टॉपिक्स पहले में दूसरे में जो बच गए उसमें जो संसद है अपने दोनों सत्रों के दो तिहाई बहुमत जो उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनके दो तिहाई बहुमत से अमेंडमेंट प्रस्ताव पारित कर सकती है। उसके बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो संविधान का संशोधन मान लिया जाता है। अब भारतीय संविधान में किन किन टॉपिक्स के ऊपर सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है तो इसमें हम क्या है कि देख सकते हैं, जैसे नए राज्यों को बनाने के लिए अनुच्छेद 2, 3, 4 संविधान को या संसद को कानून द्वारा यह अधिकार दिलाते हैं कि वे नए राज्य को प्रविष्ट कर सके, सीमा परिवर्तन कर द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके और प्रथम व चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तन कर सके। अनुच्छेद 103 जिसमें संसद की नई व्यवस्था होने तक संसदीय गणपूर्ति का प्रावधान, अनुच्छेद 75, 97, 125, 148, 165 तथा 221-2 जो द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति दे रहे हैं, अनुच्छेद 105-3 संसद द्वारा परिभाषित किए जाने पर संसदीय पदाधिकारियों की व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 120-3 जो संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। तो ये जो मुख्य मुख्य बातें थी, और भी कई आर्टिकल ऐसे होते हैं अनुसूचियां ऐसे होते हैं जिन्हें अमेंडमेंट करने के लिए संसद का जो साधारण जो बहुमत है वो ऐनक होता है। उसके बाद में क्या है कि जो दूसरी प्रक्रिया है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति के लिए, तो इसमें वे मामले रखे जाते हैं जो जनरली कार्यपालिका से संबंधित होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए कि अनुच्छेद 54 जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन का मामला लिखा गया है, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, अनुच्छेद 72 संघ की कार्यपालिका की शक्ति की सीमा, अनुच्छेद 162 के संघ के राज्यों की कार्यपालिका शक्ति की सीमा, अनुच्छेद 241 केंद्र प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए उच्च व्यवस्था, भाग 5 का अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 का अध्याय 5 संघ की राज्यों की उच्च न्यायालय, भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के विधायी संबंध, अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद में क्या है कि ये जो मामले बच रहे हैं तो उसमें ये जो तीसरा है जिसमें संसद के विशेष बहुमत का मतलब दो तिहाई बहुमत, एक सदन पास करता है दो तिहाई बहुमत से दूसरा करेगा और उसके बाद में राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे। अब यहाँ एक संविधान में संशोधन के लिए एक बात जरूरी है जानना कि जब विधेयक का निर्माण किया जाता है तो विधेयक के संदर्भ में अगर राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई मतभेद होता है तो वहाँ क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत वहाँ संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का व्यवस्था है, मगर संविधान में जब संशोधन होते हैं तो दोनों सदनों की जो सहमति है वो आवश्यक होती है। अगर मान लीजिए लोकसभा ने पास किया राज्यसभा सहमत नहीं है, या मान लीजिए राज्यसभा ने पास किया लोकसभा सहमत नहीं है, तो उस असहमति को दूर करने के लिए संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अनिवार्य रूप से किसी भी संविधान के संशोधन पर संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। अतीत में कई इस प्रकार के उदाहरण आए कि दोनों सदनों में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो गई, मतभेद हो गया, गतिरोध उत्पन्न हो गया, तो इस संदर्भ में दो रास्ते हैं, या तो संविधान संशोधन को छोड़ दिया जाए या फिर दूसरे सदन ने जो आपको सुझाव दिए हैं उन सुझावों को स्वीकार किया जाए। तो यहाँ जनरली संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं तो दोनों सदन आपस में सहमत होकर ही क्या है कि अमेंडमेंट करते हैं। तो यहाँ जो अब भारत संसद की संविधान में संशोधन की क्षमता का विवाद और उसका आंशिक निवारण, तो 1971 में गोलखनाथ विवाद में भारत की संसद ने 24वां संविधान संशोधन पास किया। 24वां संविधान संशोधन में लिखा गया था कि भारतीय संसद संविधान के किसी भाग में, यहाँ तक कि भाग 3 में जिसमें फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं उसमें क्या है कि अमेंडमेंट कर सकती है। यानी कहने का मतलब है कि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को
कोई चुनौती संविधान में किसी भी भाग में किसी भी अनुच्छेद में संसद अमेंडमेंट कर सकती है, मगर यहाँ क्या है कि 24वां संविधान संशोधन के बाद भी संसद के संविधान में संशोधन करने की क्षमता पर एक नियंत्रण बना हुआ है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में और 1980 के मिनर्वा मिल विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि भारतीय संसद संविधान के किसी भाग में यहाँ तक कि मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है, मगर भारतीय संसद संविधान के मूल ढांचे में क्या है परिवर्तन नहीं कर सकती। अब ये जो मूल ढांचा क्या है इसको न्यायपालिका ने दृष्टि नहीं बताया था, मगर ये कहा था कि समय समय के ऊपर न्यायपालिका मूल ढांचे के बारे में बताती रहेगी। जननी मूल ढांचे में मुख्य मोटी मोटी बातें जैसे संघात्मक दृष्टिकोण है, संसद के कई टॉपिक्स को इस प्रकार से माना जा सकता है, मगर वर्तमान समय में यही है कि संविधान के किसी भाग में न्यायपालिका सर्वोच्च संसद परिवर्तन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, मगर जो मूल ढांचे का जो मामला है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, समय के साथ ये भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ जो भारत में संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उसकी कई आधारों से क्या है कि आलोचना की जाती है। यहाँ सबसे पहली बात यह है कि अभी जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए कतिपय संविधान कतिपय आर्टिकल में या भाग में परिवर्तन करने के लिए, मगर राज्य कितने दिनों में स्वीकृति देंगे इसमें क्या है कि स्पष्ट अवधि का अभाव है। दूसरी बात यह है कि संविधान में संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेदों को दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जैसे मैं बता रहा था कि वहाँ जैसे 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है, उस प्रकार का सिस्टम यहाँ नहीं है। तीसरी बात यह है कि संविधान में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडल पहल नहीं कर सकते, राज्यों को कोई इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि वह क्या है कि अमेंडमेंट प्रस्ताव संसद में पेश कर सके। तीसरी चौथी बात यह है कि संविधान संशोधन विषयों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था का अभाव, जैसे भी मैं बता रहा था कि जापान एक ऐसा स्टेट है ऐसा देश है जहां जो भी अमेंडमेंट किए जाते हैं तो उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन लेना आवश्यक होता है, और डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन हासिल करना एक अमेंडमेंट के टॉपिक्स पर वो क्या है कि बेहद कठिन कार्य है। मगर भारत के संविधान में संशोधन के प्रस्ताव के जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ जो अमेंडमेंट किए जाते हैं उसके ऊपर भी क्या है कि जनमत संग्रह लेना चाहिए, मगर इसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बेहद अच्छी है। संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करने वाले अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट होता है कि संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार संसद में निहित है और संशोधन के लिए अलग संस्था के गठन की आवश्यकता नहीं है। राज्यों के विधानमंडल संशोधन संबंधी विधेयक का प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते, संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, संशोधन संबंधी विधेयक उसी प्रकार पारित होने चाहिए जिस प्रकार अन्य विधेयक संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को जनता के लिए जनता द्वारा पुष्टिकरण नहीं होता। संसद में संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी अनिवार्य नहीं है, संविधान के प्रत्येक अंश में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ कैसी भी है के अनुसार भारत में संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया संतुलित है यह न तो अधिक जटिल है न एकदम लचीली। पायली के अनुसार संघात्मक शासन होने के कारण संशोधन प्रक्रिया में राज्यों को उचित महत्व दिया गया है। यहाँ संविधान जो संविधान एक्सपर्ट है डॉक्टर सुभाष कश्यप का मत है कि इस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर संविधान में संशोधन होते रहेंगे, क्योंकि हमारा संविधान कोई निर्जीव प्रलेख मात्र नहीं है, किसी भी जीवित संविधान के लिए जरूरी है कि वो समय के साथ कदम मिलाकर चले। आज इतना ही, धन्यवाद।